मेहनत वह चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल सकती है। कौन? मेहनत। और उम्मीद करते हैं जितने भी मेरे भाई बहन हैं अभी का समय बर्बाद नहीं कर रहे होंगे, पूरे ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे होंगे। क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। और इसका पूरा PDF आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और एक बात, आज मैंने 4th पार्ट का जो वीडियो है ना त्रिकोणमिति का वो अपलोड कर दिया है, यानी 4 पार्ट। और 4 पार्ट ऐसा जो हर किसी को समझ में आएगा, कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि भैया समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये बोल सकते हो भैया पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ये आप बोल सकते हो। और एक बात, आप किसी भी एग्जाम का जो मॉक टेस्ट है हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप अपने फोन के ऊपर किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट जो है स्पीड टेस्ट है दे सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से, ठीक है। और एक बात, अगर वहां से 349 वाला पैकेज बाय करते हैं तो 1 साल के वैलिडिटी के साथ, यानी 1 साल तक आप आने वाले हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट यहां पर दे पाएंगे। और कम से कम मानकर चलो हर एक एग्जाम का कम से कम 20 से 25 सेट आपको दिया जाएगा, या फिर रेलवे का एग्जाम हो, SCC का हो, या फिर इवन बैंक का एग्जाम हो। और आज कवर करेंगे 24 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, जो क्लास सुबह आता था अभी आपका आ रहा है 24 का, कल 25 वाला आपको सुबह में 4:30 बजे ही मिलेगा ऑन टाइम। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। पहला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने COVID-19 से लड़ने के लिए जो है आपात मित्रा हेल्पलाइन और एप्लीकेशन लॉन्च किया है, यानी जो इस नाम से जो है वो एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और आपका एक एप्लीकेशन भी जारी किया गया है जिसके माध्यम से जो भी बचाव के कार्य है, जो भी सेफ्टी है, हर एक जानकारी वहां के राज्य के लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है, हर एक डाटा भी, ठीक है ना। और ये एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला सरकार है आपका कर्नाटका। अब देखो एक बात और, जो हेल्पलाइन नंबर खुला रहेगा ना वह सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक खुला रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी समय में आप कुछ नहीं कर सकते। एक तो आप सभी को हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, साथ ही साथ आप एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना, वहां पर आप सभी को सभी जानकारी मिल जाएगी 24 घंटे। और ऐसा करने वाला सरकार है आपका कर्नाटका। और कर्नाटका के CM कौन है? तो BS येदियुरप्पा। और राज्यपाल कौन है? बजूभाई बाला। और कैपिटल की बात करूं तो वो कौन है? आपका बेंगलुरु। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राष्ट्र ने कथित तौर पर अपने पहले सैन्य उपग्रह का जो है वो कक्षा में लॉन्च किया है, पहला मिलिट्री सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया गया है ऑर्बिट में, किस कंट्री के द्वारा, ये आपको बताना है। और वो है आपका ईरान, ऑप्शन नंबर आपका क्या? C। और बात चल भी रही थी बहुत दिन से कि ईरान ऐसा करने वाला है, अभी तो ईरान अपने अर्थव्यवस्था से खुद जूझ रहा है क्योंकि आपको पता है कितना लड़ाई चल रहा है अमेरिका और ईरान को लेकर दोनों में। और यहां तक बात फैल गई थी कि पैसा बिल्कुल नहीं है ईरान के पास, और ईरान जो है वो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा मांग रहा है। हालांकि अमेरिका पहले बोला कि मैं तुमको पैसा दूंगा, लेकिन ईरान ने बोला तुम्हारे वजह से मेरे देश का बर्बादी हुआ है तो मैं तुमसे पैसा नहीं लूंगा। कौन बोला? ईरान अमेरिका को। और IMF को सबसे ज्यादा फंड देने वाला कंट्री कौन है? अमेरिका है। और अभी इनडायरेक्टली ईरान जो है वो IMF से पैसा मांग रहा है। तो देखो आप किसी को सही नहीं बोल सकते हो, लेकिन सपोर्ट तो करना पड़ेगा ईरान को क्योंकि यहां पर जो देश दुश्मन है आपस में, वो भी इस COVID-19 के दौर में एक दूसरे को जो है वो सहायता कर रहे हैं। अगर मैं यहीं पर बात करूं ईरान का कैपिटल क्या है तो आप बोलेंगे थेहरान है। ईरान का मुद्रा क्या है? ईरानियन रियल। और वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? हसन रोहानी है, ठीक है। अच्छा, यहां पर हसन रोहानी में आई छूट गया है तो आप ये आई डाल लेना, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य ने अपनी सुजलम सुफलम जल संचय अभियान जो है उसका 3rd चरण की शुरुआत कर दी है। अब पहले क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप ये समझो ये सुजलम सुफलम जल संचय अभियान है क्या। ये अभियान ऐसा है ना
जितने भी गंदे पानी हैं, वेस्ट पानी है, उसको साफ किया जाएगा, ठीक है, इस अभियान के माध्यम से। इस योजना के अंदर सब कुछ यही है, जितने भी वेस्ट वाटर है, जितने भी गंदी पानी है, पहले उसको साफ किया जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है अभी COVID-19 के समय साफ सुथरा रहना कितना जरूरी है, और सरकार, केंद्र सरकार सभी बहुत ख्याल दे रहे हैं। और एक बात, यह योजना का तीसरा फेज चालू करने वाला कौन सा राज्य सरकार है, तो वो है आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर आपका सी। और गुजरात के सीएम कौन है, विजय रूपानी। राज्यपाल की बात करूं गवर्नर का, तो आप बोलेंगे आचार्य देवव्रत, और कैपिटल तो वो है आपका गांधीनगर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस शहर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है भैया, एक मोबाइल एप्लीकेशन। उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या दिया गया, संयम, याद रखिएगा। और यह लॉन्च किया गया है पुणे के द्वारा। अब ये मोबाइल एप्लीकेशन क्या बोलता है, देखो आज के डेट में जितने भी एप्लीकेशन जितने तेजी से लॉन्च हो रहे हैं, आप बोल सकते हो 99% जो केस है वो COVID-19 से जुड़ा हुआ है। और ये मोबाइल एप्लीकेशन किस क्षेत्र में कैसे काम करेगा भैया, देखो जितने भी लोग क्वारंटाइन है, अब देखो नया वर्ड आ गया क्वारंटाइन, यानी आप सभी से अलग रह सकते हैं। अगर आप मान लो किसी मरीज के टच में आए हैं, या फिर आपके परिवार में कोई है उनके टच में आए, तो आपको कम से कम 14 दिन के लिए सबसे अलग रहना पड़ेगा। और जो भी लोग इसके अंडर है उनको मॉनिटर कर पाएगा, पूरा ध्यान रख पाएगा उन लोगों का इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से, ठीक है ना। अभी आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय है जो कोरोना वायरस वैक्सीन के मानव परीक्षण जो है वो शुरू करेगा। और ये जो है ना, ये बृहस्पतिवार को शुरू हो गया है, यानी कि कल ये जो है वो शुरू हो गया है। और ये शुरू करने वाला आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, यानी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, जो ब्रिटेन में पढ़ता है, जो इंग्लैंड में पढ़ता है, ठीक है ना। और एक बात, हालांकि जब ये परीक्षण किया जाएगा तो इसके अंदर 5,000 लोगों के ऊपर जो है वो टेस्ट किया जाएगा। और भगवान से तहे दिल से प्रार्थना है कम से कम ये परीक्षण जो हो वो सफल हो, ठीक है। क्योंकि बस इंग्लैंड नहीं, पूरा विश्व बोल सकते हो जो इससे परेशान है। तो इस परेशानी का हल आई होप बहुत जल्दी निकल पाएगा। और एक बात, एग्जाम में अगर पूछे किस विश्वविद्यालय ने मानव परीक्षण किया था, तो आप क्या बोलेंगे, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। और ये कहां पढ़ता है, इंग्लैंड में पढ़ता है। और आज का आप सभी का पहला प्रश्न यहीं से है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम आप सभी को बताना है जो कोरोना वायरस से संक्रमित थे, आपको पता है अभी ठीक हो गए, तो ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, मुद्रा करेंसी क्या है, और कैपिटल राजधानी क्या है। ये तीन चीज आपको इंग्लैंड के बारे में कमेंट कर जो है वो बताना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, महामारी रोग अधिनियम 1987 के तहत नए प्रस्तावित संशोधन के अनुसार स्वास्थ्य कर्मचारी बोल सकते हो, या फ्रंट वॉरियर बोल सकते हो, आज के डेट में जो भी काम कर रहे हैं COVID-19 के लिए, अगर उन पर हमला किया जाता है तो इस अधिनियम के तहत जो है कितने साल की सजा हो सकती है। और यह लॉ पास कर दिया गया, और बहुत जरूरी लॉ था जिसको पास करना बहुत जरूरी था। और ये इस लॉ के अनुसार, इस कानून के अनुसार, जो भी स्वास्थ्य कर्मचारी पर हमला करता है ना, उनको 7 साल तक की जेल हो सकती है, और साथ ही साथ 5,00,000 रुपए का जो है वो जुर्माना भी हो सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है, 7 साल के जेल के साथ साथ। और मुझे तो समझ में नहीं आता यार, ऐसा लोग कर क्यों रहे हैं। आप बोल सकते हो शिक्षित नहीं है, पढ़ाई का कमी है बहुत ज्यादा, अपने भारत में देख लो हिंदू मुस्लिम बना दिया गया है, देख रहे हैं ना। चलिए बाद में कभी बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। अगला प्रश्न हमारे सामने कि BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने IM बैडमिंटन के अभियान के राजदूत यानी एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय सटलर को नामित किया गया है, तो पीवी सिंधु को, ऑप्शन नंबर आपका डी। अब ये अभियान क्या बोलता है भैया, इसका टारगेट क्या है भैया,
तो इस अभियान के तहत ये है, या प्रेरित करेगा या मोटिवेट करेगा उन लोगों को जो लोग चीटिंग खेलते हैं बैडमिंटन में, या फिर मान लो डोपिंग लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं। इसका मतलब, इसका मेन उद्देश्य जो है, इसका मेन उद्देश्य यह है कि यहाँ पर आप सभी जो है पूरे साफ सुथरा बैडमिंटन हर एक खिलाड़ी खेल सके बिना किसी कल छल के, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उषा गांगुली का निधन हो गया है। अनुभवी रंगमंच अभिनेता का निधन 23 अप्रैल को हुआ है, जो 75 वर्ष की आयु में हुआ है। उन्होंने निम्नलिखित में से किस भारतीय फिल्म में अपनी पटकथा लिखी थी? तो वो फिल्म कौन है? रेनकोट। आप देख पा रहे होंगे रेनकोट मूवी का मैंने पोस्टर भी लगा दिया है, जो आपको अचानक दिमाग में याद आ गया होगा। ऐश्वर्या राय और अजय देवगन जो है इस मूवी में थे। तो इस मूवी का जो है स्क्रिप्ट जो है वो उषा गांगुली के द्वारा लिखा गया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के किस शहर में कोरोना वायरस के लिए 2 बिल्लियों का परीक्षण जो है वो पाया गया है पॉजिटिव, वो भी। तो अमेरिका के किस शहर में 2 बिल्लियों के ऊपर टेस्ट किया गया और दोनों टेस्ट जो है वो पॉजिटिव पाया गया है। अब तो क्या होगा? न्यूयॉर्क में। और याद आ रहा है, मैंने इसी सुबह 4:30 बजे वाले क्लास में मैंने आपको एक चीज और बताया था, पहला जानवर कौन बन गया है जो COVID-19 से संक्रमित है। तो याद करो, इसी क्लास में मैंने बताया था नदिया नाम का एक बाघ है। मैंने आपको क्या बताया था? नदिया नाम का बाघ यानी एक टाइगर है, जो पहला जानवर बन गया है जो COVID-19 से संक्रमित है, और वो भी कहां पर? वो भी अमेरिका के न्यूयॉर्क में। याद है ना, ब्रोनोंग्स जो आपका चिड़ियाघर था वहां पर, जो अमेरिका में पड़ता है, वो बाघ यहां पर रहता है, ठीक है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 24 अप्रैल का। 4 पार्ट ट्रिगो का मैंने अपलोड कर दिया है, सीख लो, मौका है, वरना बाद में बोलेंगे भैया नहीं सीख पा रहे, क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, नहीं बन पा रहा है। तो अभी मौका है, इस टाइम का यूटिलाइजेशन बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी को करना है। सो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, सभी को गुड नाइट, अपना ख्याल रखना और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा का भी, ठीक है ना।